जिंदा है सहाबी, 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 जिंदा है। मुकदमा दर्ज करेंगे, उनको थ्रेट देंगे तो फैसलाबाद यूनियन की जनता से उनको मुजामत का सामना करना पड़ेगा। और भरपूर हम इस हवाले से साहबियों के साथ खड़े हैं और अलहमदुल्ला राना अजीम साहब और राना अबीर साहब की क्यादत में फैसलाबाद यूनियन मुतहद है और साहबियों के लिए आवाज बुलंद करती रहे। आजादी है सहाबत, आजादी है सहाबत, आजादी सहाबत का ये दो दिन है। मैं तमाम दोस्तों को आपको तारीख में लेके जाऊंगा कि आखिर 3 मई को ही ये दिन क्यों मनाया जाता है। मैं अपने दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि 1993 में अक़वाम में मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने बाज़ाब्ता तौर पर एक करारदाद को पास किया था और उस करारदाद के जरिए ये करार दिया गया था कि जो सहाफत है वो किसी भी रियासत का चौथा सुतून होगा। और उसी करारदाद में ये बात भी वाज़ह की गई थी कि सहाफी दुनिया भर में किसी भी मुल्क में होंगे उन्हें उनकी फराइज की अंजामदही से ना तो रोका जाएगा ना ही किसी किस्म की उन पर कोई तत्काल लगाई जाएगी। मगर बदकिस्मती से यह कहना पड़ता है कि 1993 में यह करारदाद तो पास हो गई थी मगर आज तक सहाफियों को उनका हक नहीं मिल सका। हम जो बात करते हैं आजादी सहाफत की, आप ये देखें कि चंद रोज कबल हमारे ही एक बहुत अच्छे साथी दोस्त जो दुनिया न्यूज में अब्दुल बासित हैं, उन्होंने एक शौकीन जात की करप्शन और एक मुजरम पर तशद्दुद की खबर जब फाइल की तो उनके खिलाफ रफड दर्ज कर ली गई। और उन्हें ट्रैक करने की पूरी तरह कोशिश की गई, अदारे की तरफ से भी उन पर दबाव डाला गया। मगर मैं इस मौके पर बात देता हूँ एफक्यूजे की टीम के मेंबरान को, साजो साहब को, मियां काशिफ अली साहब को, मलिक जहूर साहब को और बाकी दोस्तों को कि इन्होंने इस मौके पर साबत गद्दी का मुजाहरा करते हुए अपने उस साथी का भरपूर साथ दिया। जबकि आपको याद होगा कि जिस दिन जिमनी इलेक्शन था उस दिन 92 न्यूज की जो टीम थी उन पर भी गुजरात में तशद्दुद करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। हम नहीं मानते जुल्म के निजाम पे, हम नहीं मानते जुल्म के निजाम पे, हम नहीं मानते। जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है जिंदा है। जबकि 92 न्यूज और जीएनएन की टीम के मेंबरान को भी तशद्दुद किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। मगर मैं उन दोस्तों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने मुकदमात के बावजूद, तशद्दुद के बावजूद जो अपने फराइज थे उनको तनदही से अंजाम दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे कबल भी माजी में आपको याद होगा सहाफत के हवाले से बहुत बहुत बुरे दौर आए।